हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्पर्म से बच्चा कैसे पैदा होता है। प्रेगनेंसी के बारे में भले ही एक महिला कितनी ही उठापटक से गुजरती है, कई बार डॉक्टर के पास जाती है, तरह तरह की दवाइयां खाती है, कुछ महिलाएं तो मानसिक रूप से खुद को थका हुआ भी पाती हैं, यहां तक कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि पूरे 9 महीने तक अच्छी नींद नहीं ले पाती। इतनी परेशानियों के बावजूद हर माँ के मन में एक ही बात होती है, गर्भ में पल रहा उसका शिशु खुश रहे और स्वस्थ रहे। इसके लिए जो कुछ संभव होता है वो हर माँ करती है। अपनी कोख से नए जीवन को जन्म देना किसी महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है। इस एहसास के लिए अपने गर्भावस्था के दौरान वो कई सपने भी सजाती है। महिला के मन में ये जानने की काफी उमंग होती है कि गर्भ किस तरह से पल रहा है, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, वो क्या कर रहा है। परिवार के दूसरे लोग भी इस दौरान महिला की काफी देखभाल करते हैं। तो आइए जानते हैं कि गर्भ में किस तरह बड़ा होता है शिशु। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला के शरीर में रिप्रोडक्टिव अंगों में गर्भाशय ओवरीज यानी अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना शामिल होती हैं। पुरुष में मौजूद स्पर्म वो सेल है जो बच्चे पैदा करने में मदद करता है। ये वीर्यकोश यानी टेस्टिस में बनते हैं। बच्चेदानी गर्भ के निचले हिस्से में होती है। इसके दोनों तरफ ओवरी होती है जो कि फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है। ओवरी में दो छोटे अंडाकार अंग होते हैं। अंडाशय अंडों से भरे होते हैं जो हर लड़की जन्म से ही लेकर पैदा होती है। अंडे उसके शरीर के बाकी ऑर्गन की तरह होते हैं। जब माँ के गर्भ में फीमेल भ्रूण बन रहा होता है तब भ्रूण के बाकी अंगों के विकास के साथ साथ अंडे भी बनते हैं। जनन सालों में गर्भधारण की प्रक्रिया अंडाशयों से शुरू होती है। बेबी बनने की क्रिया को स्पर्म अंडे से मिलकर शुरू करता है। लड़की के अंडाशय से हर महीने अंडे रिलीज होते हैं जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। इसी तरह पुरुष के शुक्राणु को परिपक्व होने में 72 दिन लगते हैं। इसके बाद परिपक्व शुक्राणु बाहर निकलते हैं। अंडे तक पहुँचने के लिए स्पर्म को तैरना होता है। शुक्राणु को ये दूरी तय करने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। फेलोपियन ट्यूब में कोई डिंब इंतजार कर रहा होता है तो वो उसमें प्रवेश कर जाता है और फिर ये निषेचित होता है। उसके बाद निषेचित डिंब फेलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में पहुंचता है, तब भ्रूण बनना शुरू होता है। निषेचित अंडा गर्भाशय में पहुँचने के बाद बहुत सारे सेल्स में बंटता है। बॉल नुमा अंडे को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। फिर ये बॉल प्रेगनेंसी हार्मोन HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है। ये हार्मोन ओवरीज को नए अंडे रिलीज करने के निर्देश देता है। ये क्रिया प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते तक पूरी होती है। जब ये हार्मोन माँ के ब्लड और यूरिन में मिल जाता है उसी के बाद ब्लड या यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी का पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि महिला में XX क्रोमोसोम्स होते हैं, पुरुष में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि Y स्पर्म अंडे को निषेचित करता है तो बेबी बॉय जन्म लेता है। X स्पर्म अंडे को निषेचित करता है तो बेबी गर्ल जन्म लेती है। दोस्तों एक और अहम जानकारी बता दूं, पुरुषों का पूछना होता है कि पुरुष का स्पर्म कितना होना चाहिए जिससे बच्चा ठहर सकता है, या फिर महिलाओं का प्रश्न होता है कि गर्भावस्था के लिए स्पर्म काउंट कितना होता है। ऐसे ही कई प्रश्न दंपतियों के मन में हलचल मचाए रहते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए जिससे गर्भ धारण कर सकें, तो बता दें कि एक स्वस्थ और हेल्दी पुरुष के वीर्य में 40 से 300 मिलियन के बीच शुक्राणु स्पर्म प्रति मिलीलीटर होना चाहिए। लेकिन शुक्राणु 40 से 300 मिलियन के बीच ना होकर 10 से 20 मिलियन प्रति मिलीलीटर के मध्य हैं, तो इसे शुक्राणुओं की कम मात्रा की श्रेणी में रखा जाता है जो कि खराब शुक्राणु हैं। लेकिन हाँ, पुरुष स्वस्थ है और स्पर्म की गुणवत्ता अच्छी है तो ऐसे में गर्भ धारण के लिए प्रति मिलीलीटर 20 मिलियन स्पर्म काफी हो सकते हैं। कौन सा समय गर्भ धारण के लिए बेहतर है? ओव्यूलेशन का समय, अंडे का फेलोपियन ट्यूब में आना यानी इसके एक दो दिन पहले यौन संबंध बनाना लाभकारी होता है। इस समय शुक्राणु और अंडे के मिलन यानी निषेचित होने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। ट्यूब में निषेचन होने के 5-6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर सतह पर चिपक जाता है जिसे कहते है प्रत्यारोपण। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है जो सामान्य है। ये गर्भाशय में ही अपने विकसित होने का पूरा सफर तय करके जन्म लेता है। कैसे जाने गर्भ धारण हुआ है या नहीं? सामान्यतया महिला को शुरुआत में तो पता ही नहीं होता कि वो गर्भ धारण कर चुकी है।
पीरियड के चौथे हफ्ते यानी 28 दिन के बाद भी माहवारी नहीं आती तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गर्भधारण होने के कारण थोड़ी कमजोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके आसपास पानी की थैली बनने लगती है जो उसके लिए तकिए का काम करती है। इसी दौरान एक प्लेजेंटा मतलब एक गोल डिस्क के समान ऑर्गन वो बनने लगता है। ये माँ और शिशु दोनों को जोड़ता है जिससे माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं और रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनने शुरू होते हैं। दोनों हाथ पैर और उनकी उंगलियां, आहार नलिका और हड्डियां बनना भी आरंभ हो जाता है। छठे सप्ताह में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है। शिशु में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता भी पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम हो जाता है। 9वें से 13वें सप्ताह का समय शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस समय तक शिशु का चेहरा, कान, हाथ, पैर और उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। नाखून बनना शुरू हो जाता है और जननांग बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लीवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। ये शिशु के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसलिए गर्भस्थ महिला को अपना विशेष ध्यान रखना होता है। छोटी मोटी समस्या होने पर महिला को बिना चिकित्सक की सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीनों में पूरा हो जाता है, इसलिए इसके बाद गर्भपात होने की संभावना कम रहती है। 3रे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर होती है और वजन 4 ग्राम होता है। महिला का शिशु से भावनात्मक रूप से लगाव होना शुरू हो जाता है। 4थे महीने में आँखें और भौं, नाखून और जननांग बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। अब शिशु सिर घुमाना, अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। इस महीने फीटल डोपनर मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। सामान्यतः इस समय डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख दे देते हैं। शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होती है। 5वें महीने में सिर के बाल बनने शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों से ढक जाते हैं। ये बाल बहुत ही मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। ये बाल जन्म के समय पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, इसलिए वो हलचल शुरू कर देता है जिसे माँ महसूस कर सकती है। महीने के अंत तक वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। 6ठे महीने में शिशु का रंग लाल होता है जिसमें से धमनियों को देखा जा सकता है। इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो साउंड या म्यूजिक को महसूस करके उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इस महीने के अंत तक उसका वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। 7वें महीने में शिशु में फैट बढ़ने लगता है। उसकी आवाज सुनने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। लाइट के प्रति अपना रिएक्शन देता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारण से प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए तो वो जीवित रह सकता है। 8वें महीने में शिशु की हलचल और ज्यादा बढ़ जाती है जिसे माँ बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। इस समय दिमाग का विकास तेजी से होता है। वो सुनने के साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस महीने में शिशु का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। अब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वो जन्म का इंतजार करने लगती है। 9वें महीने में बच्चों के फेफड़े भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है। पलके झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब शिशु दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय सामान्यतः शिशु का सिर पहले बाहर आता है। महिला के गर्भधारण से लेकर शिशु के दुनिया में आने तक की यात्रा अनूठी और कई तरह के अनुभव लिए होती है। डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख नजदीक आने पर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर पर जोर डालने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए
यदि महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।